डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम, एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल्स जो होते हैं हम उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। प्लस हम ट्रिक्सिन को लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि क्रिस्टल होता है क्यूबिक, जो हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। टेट्राहेड्रल होता है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। इनकी एक्सियल लेंथ भी होती है। एक्सियल लेंथ क्या होती है, जैसे कि ये हमारा कैसे दिया हुआ, 3D दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाए तो ये कैसे हो जाएगी, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाए तो ये वाई हो जाएगी और ये जाए तो जेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक्सियल लेंथ, तो हमें सारी क्रिस्टल्स की पता होनी चाहिए कि एक्सियल लेंथ किस टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरफेशियल एंगल, जैसे कि हमारे पास ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर हमारे पास इसको और इसको मिला दे तो एक एंगल बन जाएगा और वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसको इसको मिला दे तो एक एंगल बन जाएगा, इसको इसको मिला दे तो एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक साइड है तो उसकी जो एक्सियल लेंथ होती है, जैसे कि ये और ये कैसी होगी, तीनों ही इक्वल होती है, ठीक है। और इनके बीच जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, 90 के, ठीक है। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो उसकी दो साइड्स तो इक्वल होंगी बट एक अनइक्वल होगी, ठीक है। और उसकी जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और इक्वल टू किसके हो जाएंगे, 90 के। अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो उसकी तीनों ही साइड्स अनइक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो उसके एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और किसके इक्वल होते हैं, 90 के। तो यहाँ पर ये जो तीन दिए हुए हैं ये कैसे हैं, सेम है, ठीक है। उसके बाद बात आती है मोनोक्लिनिक की, तो इसमें क्या होता है कि इसकी साइड्स कैसी होती है, अनइक्वल होती है, मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, इस टाइप से होता है। और इनकी जो एंगल्स होते हैं उसमें अल्फा इक्वल्स टू गामा के होते हैं बट नॉट इक्वल्स टू बीटा, बीटा के इक्वल नहीं होते हैं और ये इक्वल्स टू किसके होते हैं, 90 के, और बीटा जो होता है वो 90 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आती है ट्राइक्लिनिक की, तो इसमें भी क्या होता है, ए नॉट इक्वल्स टू बी और नॉट इक्वल्स टू सी, इस टाइप से होता है। और इसमें जो इसके एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं और ये 90 के भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये जो हमारा ट्राइक्लिनिक होता है ये सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे पास ये पूछ लिया जाता है, ओके, एग्जाम में कि सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक क्रिस्टल कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। उसके बाद बात आती है हेक्सागोनल की, तो इसमें ए इक्वल्स टू बी तो होता है बट नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 नॉट इक्वल्स टू गामा, ठीक है। जो गामा होता है वो 90 के इक्वल्स नहीं होता है। उसके बाद रोम्बोहेड्रल जो आता है उसमें क्या होता है, ये इक्वल होता है, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है बट ये 90 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो काफी मतलब टफ लग रहा होगा आप लोगों को कि कैसे लर्न करें, कैसे याद रहेगा, कैसे ये बीच में हमें याद रहेगा कि कौन सा इक्वल होता है कौन सा नहीं होता है। तो अब उसकी ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिक है हमारे पास क्यूट अव मदर, इसमें क्या है कि क्यू सी यू से क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद टीई से क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑर्थोरोम्बिक की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। उसके बाद बात आती है मोनोक्लिनिक, तो ये एमओ क्या हो जाएगा हमारा, मोनोक्लिनिक, ठीक है। टी क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। और हमारे पास ये हेक्सा, एच ही क्या हो जाएगा, हेक्सा गोनल, ठीक है, ये हो जाएगा हेक्सागोनल। और आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रोम्बोहेड्रल, ओके। तो इस टाइप से हमारे पास आपको क्या याद रखना है, जो ट्रिक है वो ये है, क्यूट अवर मदर, ठीक है। इस टाइप से आप इस पूरी चीज में सबसे पहले तो आप लोगों को ये नेम लर्न हो गया, ठीक है। तो आपको इसी ऑर्डर में नेम लर्न करने, अब उसके बाद ये जो इनके एक्सियल लेंथ है ये कैसे याद रहेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है अनइक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी अनइक्वल नहीं है, ना यहाँ पर अनइक्वल है ना यहाँ पर अनइक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक साइड अनइक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ गया, वन आ गया। के बाद यहाँ पर दो साइड्स अनइक्वल है, तो टू आ गया, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर वन और यहाँ पर जीरो, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। अब ये नंबर भी कैसे याद रहेंगे, तो उसकी भी ट्रिक है हमारे पास। ये याद करने के लिए हमारे पास कितनी है, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो 0 1 2 ऐसे पीछे से 0 1 2 और 2, ठीक है, इस टाइप से। तो पहला क्या हो जाएगा, अनइक्वल, ठीक है। उसके बाद एक अनइक्वल, फिर इसके बाद दो अनइक्वल, फिर दो, फिर दो,
जिससे आपको ये नंबर याद रहेगा। ठीक है, इस टाइप से आप ये याद कर सकते हो। ओके, अब बात आती है कि इंटरफेशियल एंगल्स ये कैसे याद रहेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग के जो तीन होते हैं वो तो सेम ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ फोर्थ नंबर से। तो इसमें एल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 है, तो हमारे पास जो ये तीन तो हमारे पास कैसे है, सेम है। तो इनको अगर हमने वन नंबर दे दिया तो सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, एल्फा इक्वल्स टू गामा। यहाँ पर बीटा नहीं है, बीटा सेकंड नंबर पे आता है, और इसको अगर हम सेकंड माने तो सेकंड वाला क्या है, नॉट इक्वल्स टू 90। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसमें मैं क्या कह रही हूँ, ये तीन तो सेम है तो इसको हमने वन नंबर मान लिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है मोनोक्लिनिक की। इसको हम सेकंड अगर मान ले तो सेकंड नंबर का बीटा ही है जो अनइक्वल है, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि जो सेकंड नंबर पर बीटा है वो किसका 90 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक का आपको याद ही रखना है, स्पेशल केस है कि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं रहता है। ठीक है, इसमें ना तो हमारे पास एक्सियल लेंथ इक्वल होती है और ना ही इंटरफेशियल एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा, एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है हेक्सागोनल की। तो अब बात आ गई किसके, थर्ड नंबर की। तो इसमें कौन सा वाला है जो अनइक्वल होता है, वो थर्ड नंबर का, जो गामा थर्ड नंबर पर है यही अनइक्वल होता है किसके, 90 के, और इक्वल्स टू किसके होता है, 120 के। ठीक है, तो अगर आप 9 में 30 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ रहा है ये, तो इस टाइप से आप तीसरे नंबर पर आ रहा है प्लस 30 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं रोम्बोहेड्रल की। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक्सियल लेंथ इसकी इक्वल्स होती है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, बस क्या इक्वल नहीं होता हमारे पास, ये तीनों ही जो एंगल्स है वो 90 के इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी ट्रिक थी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।